हरिबोल, जय जय राधा रमण हरिबोल। पर तुम हमको खाली हाथ जाने नहीं दोगे, इसलिए मांग रहा हूं। कितना? क्या? पदानि त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। मेरे पैर देख रहे हो? इन्हीं पैरों से केवल तीन चरण भूमि नाप करके हमको दे दो। बलि तो बड़ी जोर से ठहाका मार के हंसा, अरे पंडित जी महाराज धन्य हो आप, कितनी लंबी चौड़ी भूमिका बनाई, पूरे खानदान की महिमा सुनाई, तब जा करके तो मांगा। और मांगा कितना? तीन चरण भूमि। अरे छोटा सा कमरा भी नहीं बनेगा जिसमें आराम से रह सको, इतनी सी जगह का क्या होगा? यदि आपको तीन चरण भूमि ही चाहिए तो मैं किसी लंबे चौड़े आदमी को बुलवा देता हूं, वो नाप देगा आपको। बोले नहीं नहीं, पदा मम, पैर मेरे ही होने चाहिए, मैं अपने ही पैरों से नापूंगा, दूसरे से नहीं। अरे ब्राह्मण, ब्राह्मण के बेटे बातें बनाने में तू बड़ा बुद्धिमान है, बातों से तो लगता है तेरे पेट में डाड़ी है, परंतु जैसी काया बोनी वैसी अकल भी बोनी लगती है। मांगना कुछ नहीं आता तेरा। अहो ब्राह्मण दायाद बाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो बाल सुमति स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। ब्राह्मण, जब हमारे पूरे वंश से तुम परिचित हो तो ये भी जानते होंगे कि हमारे घर से कोई खाली हाथ जाता नहीं, और एक बार जो हमारे यहाँ हाथ पसारता है उसे जीवन में हाथ पसारने की आवश्यकता रहती नहीं। और तुम ये क्या मांग रहे हो, इतनी तुच्छ याचना? मुझे तो देने में भी शर्म लगेगी। चलो अब भी कुछ नहीं बिगड़ गया, दोबारा विचार करो, पुनः विचार करके सोच समझ के फिर मांगो। जो मुझे भी देने में आनंद आ गया, मेरे अनुरूप तो होना चाहिए दान। भगवान बोले, जानता हूं कि आप सब कुछ देने में समर्थ है, परम उदार मना है, पर ब्राह्मण को भी तो संतोषी होना चाहिए ना भाई। जितने में काम चल जाए ब्राह्मण को उतना ही लेना चाहिए, क्योंकि राजन जो अजितेंद्रिय पुरुष होते ना, इंद्रियों के गुलाम, उनको तुम त्रैलोकी की संपत्ति भी दे दोगे तब भी उनका पेट नहीं भरने वाला, संपूर्ण साम्राज्य दे करके भी उनके मन में यही लगेगा भाई नेक कसर पड़ गई, नहीं तो ब्रह्मलोक भी मिल जाता, पेट कभी नहीं भरता अजितेंद्रिय पुरुषों का। ब्राह्मण को चाहिए जितना मिल जाए उसमें प्रसन्न रहे। यदृक्षा लाभ यदक्षयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम, जितना जो भी कुछ मिल जाए उसमें जो संतुष्ट रहता है वो बड़ा सुखी रहता है। मेरे को जितनी अपने को आवश्यकता लगी उतना मैंने मांग लिया, एतावदेव सिद्धोहम वित्तम यावत प्रयोजनम। अरे दान लेना तो बहुत सरल है, लेना अच्छा लगता है, पर दान का जो दोष होता है ना वो बुद्धि खराब करता है। भजन करके तप करके तब वो दोष दूर होता है, त्रिकाल संध्या करना पड़ती है, गायत्री जपना पड़ता है, तब जा करके वो दोष दूर होता है। इसलिए अनावश्यक परिग्रह नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। तो मुझे जितना लगा, यद्रक्षा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते, जो संतुष्ट रहता है ब्राह्मण उसका ब्रह्म तेज बड़ा दिव्य होता है, ब्रह्म तेज उसका निखरता है। इसलिए राजन हम अनावश्यक दान नहीं लेते। अरे बड़ी मुश्किल से तो आज हमने मांगा है, बस जितना मांगा उतना ही लेंगे, ज्यादा हम ले ही नहीं सकते। शुक्राचार्य जी के कान खड़े हो गए, मैंने भी बहुत पंडित देखे पर ये तो निराला ही नजर आता है, इतना ये संतोषी ब्राह्मण कहां से आया। झगड़े मैंने बहुत देखे
पंडित जी कहते हमें इतनी दक्षिणा चाहिए, रख दो यहाँ पर। यजमान कह रहे महाराज हरी भरी खेती ने खोंटते खाते रहो, संतोष करो महाराज। ऐसे तो बहुत प्रसंग आते हैं, पर ये प्रसंग पहली बार आया कि यजमान कह रहा है महाराज आप क्या कर रहे हैं, मेरी इज्जत के अनुसार तो कुछ दान मांगो। और ब्राह्मण कह रहा है इतने से ज्यादा हम ले ही नहीं सकते। बड़ा विचित्र प्रसंग है ये आया कहां से, आज से पहले कभी देखा तो नहीं गया। बाबा ने आंख बंद करी जानने के लिए कि ये बौना कौन है। राजा बलि ने कहा भगवान यदि आपको तीन चरण भूमि में ही पूर्ण संतुष्टि है तो मुझे फिर कोई आपत्ति नहीं, जैसे आप प्रसन्न हैं मैं उसी में प्रसन्न हूं। मैंने आपको वचन दिया तीन चरण भूमि आपको जहां भी अच्छी लगे प्रेम से आप नाप लीजिए और ले जाइए। भगवान बोले ऐसे कैसे ले जाइए, हाथ में जल लीजिए संकल्प करके हमको दीजिए तब नापेंगे हम। अरे महाराज क्यों मेरी बेइज्जती करा रहे हो, हाथ में जल लूंगा संकल्प आप पढ़ोगे तो दुनिया हंसेगी, ये सर इसको शर्म नहीं आती, तीन लोक का राजा बना बैठा और तीन चरण भूमि के लिए संकल्प कर रहा है। अरे बस मैंने वचन दिया, वचन पर विश्वास कीजिए और जहां मर्जी आवे नाप लीजिए। भगवान बोले गलत बात, नियम के अनुसार वैदिक विधि से जो परंपरा है जो विधान है उसके अनुसार ही आपको कार्य करना चाहिए। अच्छा ठीक है महाराज जी आपको जैसे संतुष्टि मिले कर लो, लो संकल्प कर देते। जल का पात्र जो ही लिया शुक्राचार्य जी ने पट से हाथ पकड़ लिया, महाराज बलि सावधान। अरे गुरुदेव क्या हो गया, बोले ठीक से देखो ये बौना कौन है, बामन है और कौन है। राजन तुम फिर धोखा खा रहे हो, मैं ये बामन है न 53, मैंने इसको भली भांत पहचान लिया। कौन है गुरु जी, एस भैरो चने साक्षात भगवान विष्णु रव्यय कश्यपादित जातो देवानां कार्य साधक, देवानां कार्य साधक। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वही छलिया विष्णु जो पहले छोरी बन के छमछम करके पागल बना गया था वही आज फिर बौना बन के आ गया। बातों में मत आना बर्बाद हो जाएगा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, संकल्प हुआ नहीं है ना, मना कर दो, हाँ भर दी तो गए काम से। अरे भाई दान अवश्य दो इसका विरोध नहीं है, पर ऐसे दान की कोई प्रशंसा नहीं करता कि दाता ही भिखारी बन जाए, सब कुछ लुटा के खुद बर्बाद हो जाए। राजन भगवान ने धन दिया है तो उसको हिसाब किताब से खर्च करो। पैसा पांच प्रकार से खर्च करना चाहिए, कैसे कैसे, धर्माय यशसेर्धाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम इहा मुत्र च मोदते। आप 1,00,000 रुपया कमाते हैं तो 20,000 के 5 हिस्से कर लो। सबसे पहला अंश एक हिस्सा माने कमाई के 5 हिस्सा करो और 1 हिस्सा धर्म में लगाओ, सबसे पहले धर्म में, धर्म आय आत्म कल्याण के लिए। दूसरा हिस्सा जो संपत्ति का है वो यश से कुछ ऐसी जगह पर लगाओ कि तुम्हारी कीर्ति हमेशा बनी रहे। कुआ बावड़ी लोग खुदवाते थे, धर्मशाला बनवाते थे, जो भी आके कहीं भी से जब धर्मशाला में रुकेगा और आपका नाम पढ़ेगा कि फलाने सेठ जी की धर्मशाला है, तो जब तक धर्मशाला रहेगी तुम्हारा यश रहेगा, कीर्तिर यस्य से जीवति। इसलिए पहला हिस्सा धर्म में तो दूसरा हिस्सा अपनी कीर्ति के लिए अपनी यश प्रतिष्ठा के लिए लगाना चाहिए। और तीसरा हिस्सा भाई पैसे से पैसा कमाया जाता है कुछ व्यापार में लगाओ ताकि इनकम बनी रहे, व्यापार पर खर्च करो।
चौथा हिस्सा अपने कुटुंबियों के लिए, परिवार के लिए, परिजनों के लिए, बंधु बांधवों के लिए, सगे संबंधियों के लिए रखना चाहिए, क्योंकि जब पैसा आता है तो सभी की आशाएं टिक जाती है कि आवश्यकता पड़ेगी तो अपने बैठे तो हैं, मांग लेंगे चाहे जो। और बड़ी आशा के साथ आपके सगे संबंधी आपसे कुछ सहयोग मांगने आए और आपने हाथ हिला दिया, अरे साहब आप 10,000 की बात कर रहे हो, यहाँ 1 रुपया नहीं है जहर खाने के लिए, दो टूक आपने हाथ हिला दिया तो भी सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे तुम्हारे कि बताओ जनन तुमने एक बार तो हमने हाथ फैलाया, वो कैसे उसने हाथ हिला दिया, होगा पैसा वाला अपने ना, अपने घर के लिए, हमारे के तो किसी काम का नहीं। तो सगे संबंधियों पर भी ध्यान रखना चाहिए, एक अंश उन पर खर्च करो। और पांचवा हिस्सा, केवल दूसरों पर ही मत रहो, कुछ अपने लिए भी रखो, अपने ऊपर खर्च करो, अपनी सुख सुविधा के ऊपर, खान पान के ऊपर, अपने सुख साधन के ऊपर भी खर्च करना चाहिए। पंचधा विभजन वित्तम यहा मूत्र चमोदते, पांच प्रकार से धन खर्च करने वाला इस लोक में भी सुखी रहता है, मरने के बाद उसे परलोक की भी प्राप्ति होती है, परलोक भी उसका सुधरता है। इसलिए राजन अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तुम बिल्कुल मना कर दो मैंने कुछ नहीं दिया, नहीं बर्बाद कर देगा ये बौना तेरे को। बलि ने कहा गुरुदेव वो सब ठीक है परंतु आपने हमेशा मुझे सत्य पर चलना सिखाया और आज स्वयं आप मुझे झूठ बोलने के लिए विवश कर रहे हैं। मैंने जब वचन दे दिया इस ब्राह्मण को तो अब मना कैसे कर दूं कि मैं नहीं दे सकता, ये पृथ्वी पर्वतों के बोझे से पीड़ित नहीं है जितना एक झूठे व्यक्ति के भार से पीड़ित रहती है, और मैं झूठ बनकर बोल करके इस पृथ्वी पर बोझा बनना नहीं चाहता। महाराज बलि कभी कभी झूठ बोल के भी कम चला लेना चाहिए। क्या कहा गुरु जी, यहां सच कहता हूं, जाना सत्यवादी बने रहोगे बर्बाद हो जाओगे। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर झूठ बोलना निंदनीय नहीं माना गया। अच्छा गुरु जी कहां कहां झूठ बोल सकते हैं, बोले स्त्री सु नर्म विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे वो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानतम स्याजुगोप्सितम। कहां कहां पर झूठ बोल सकते हैं, बोले स्त्री सु स्त्रियों से झूठ बोलने में कोई दोष नहीं, बोलो राधे राधे, हम नहीं कह रहे शुक्राचार्य जी कह रहे हैं भागवत। क्यों महाराज, बोले माताओं का स्वभाव होता है उन्हें जो चीज पसंद आएगी वो चाहिए, चाहे वो शादी विवाह में जाएं चाहे कथा वार्ता में जाएं, उनकी दृष्टि यही ज्यादा देखती है कि किसने क्या पहन रखा है, ये चीज बहुत अच्छी लगी, घर में जाती फरमाइश। और आपने आप हाथ हिला दिए, अरे साहब बड़ी मुश्किल से तो अपना खर्चा पानी चल रहा है, तुझे साड़ी दिख रही है, मेरे बस की बात नहीं इस समय कुछ भी फालतू खर्चा करना, तो समझ लो भोजन मिलना मुश्किल है। तो ऐसे अवसरों पर थोड़ा बहुत आश्वासन देना चाहिए, कोई बात नहीं अब की बार आने दो, फसल आएगी ना इस साल की तो सबसे पहले तेरी साड़ी ही आएगी, तू जो कहेगी सो मिले, अब की बार फसल बढ़िया है आने तो दो, ऐसे थोड़ा बहुत टाल करके अपना काम चला लेना चाहिए। हंसी मजाक में भी कोई झूठ बोल दे तो कोई दोष नहीं, नर्म विवाह शादी में भी ये दो चार बातें बढ़ा चढ़ा के कोई बता दे तो कोई दोष नहीं। इनकम टैक्स का छापा पड़ा और आपने असली बात बता दी कि इतना माल यहां रखा है वहां रखा है तो गए काम से, ऐसे अवसरों पर जीविका की रक्षा के लिए थोड़ा इधर उधर की फाइल दिखानी पड़ेगी तो कोई दोष नहीं, बोलो राधे राधे। प्रत्यर्थ है जीविका की रक्षा के लिए भी थोड़ा बहुत झूठ बोलने में दोष नहीं लगता। प्राण संकट है, आप किसी शत्रु दल में फंस गए और आपका वास्तविक परिचय आपके लिए प्राणदायक प्राण हरण कर सकता है, तो ऐसी अब स्थिति में कोई झूठा मूठा परिचय देके ऊटपटांग कोई नाम बता करके अपने प्राण बचाओ, उसमें कोई दोष नहीं।
गाय भागती आई और किसी गली में घुस गई और कसाई उसके पीछे। आपने देखा और कसाई धोखा खा गया, गैया किधर भाग गई? आपसे ही पूछ बैठा, भैया जी आपने देखी वो गाय एक भागती हुई? अब आपने यदि सही परिचय दे दिया, सही बोल दिया तो बेचारे गाय के प्राण संकट में है। ऐसी स्थिति में मौनी बाबा बनो या उल्टा सीधा कुछ बता दो। तो आपका वह मिथ्या संभाषण गौ माता की रक्षा कर सकता है। तो ऐसे अवसरों पर नान्नतम स्याद जुगुप्सितम, वो अनृत बोलना वह झूठ बोलना जुगुप्सित नहीं है, निंदनीय नहीं है। इसलिए राजन इस समय तुम्हारे सामने जीविका का संकट है। यदि तुम इसके सामने सत्यवादी बने रहे तो ये जो छलिया बौना दिख रहा है ना विष्णु, बर्बाद कर देगा। दो पैरों में तो सारी दुनिया नाप लेगा, मैंने दिव्य दृष्टि से इसके हाथ पैर सब देख लिए। अब अपनी भलाई चाहो तो तुम तुरंत मना कर दो, इसी में तुम्हारा कल्याण। बलि ने हाथ जोड़ लिए, गुरुदेव सदा सत्य पथ पर चलाने वाले आप मेरे गुरुदेव हो और आज आप मुझे झूठ बोलने के लिए बाध्य कर रहे हैं। मैं किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोल सकता, आज तक मैंने जीवन में झूठ नहीं बोला। देखिए दैत्य जाति के हैं और इनका भी आदर्श देखिए कितना अद्भुत है। कहने को दैत्य हैं, दैत्य बन सके हैं, कितने विश्वास के साथ कहते हैं मैं झूठ नहीं बोल सकता। गुरुदेव एक बात बताओ, यज्ञादिक दिव्य कर्म किसके लिए किए जाते हैं? नारायण के प्रीत्यर्थ। तो जिस नारायण की प्रसन्नता के लिए यज्ञ होते हैं, वही यज्ञ भगवान श्री हरि नारायण मेरे सन्मुख वामन बन के खड़े हैं और वो हाथ पसार के मुझसे मांग रहे हैं और आप भगवान को मना कर रहे हो देने के लिए। गुरुदेव यदि ये सामान्य कोई ब्रह्मचारी है तो तीन चरण भूमि लेगा चलता बनेगा, और साक्षात विष्णु हैं तो आज मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। सारी दुनिया जिसके सामने भीख मांगती है, हाथ पसारती है, वो जगन्नाथ मेरे सामने हाथ पसार रहे हैं और ये सौभाग्य से मैं वंचित नहीं हो सकता। दोनों हाथ में मोदक है मेरे, इसलिए हर परिस्थिति में मैं इनको दूंगा। अब तो गुरु जी की माथे भ्रकुटी चढ़ी। दृढ़ पंडितमानिज्ञः, बहुत बड़ा अपने आप को पंडित समझने लगा है मूर्ख। मेरी वजह से तुम आज यहां तक पहुंचे हो बलि, मेरी आज तुम बात नहीं मानते, शाप देता हूं अचरात भ्रष्यते श्रियः, बहुत जल्दी तुम श्रीहीन हो जाओगे।